हे गाइस, माय नेम इज राहुल कुंतल। और यार, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही घातक हैं, जिनकी वजह से इंडिया के स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस, जो कि मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकता है, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड, एंड ग्राउंड लवर्स, वेलकम टू यू। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, वो आती है प्रॉब्लम्स इन होम। अपने ही घर में सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बच्चों के लिए, वो है कि सबसे पहले तो बच्चों को फोर्स किया जाएगा कि आप खेलो मत, खेलने से ज़्यादा आप पढ़ो। पढ़ने के लिए बच्चों को फोर्स किया जाता है, इतना फोर्स खेलने। मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई जरूरी है, जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन आप स्पोर्ट्स को भी तो उतनी अहमियत दो जितनी कि आप पढ़ाई को देते हो। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लड़कियों के साथ होती है। एक बार को फैमिली वाले मान जाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप खेलना चाहते हो खेलो, लेकिन अगर आप शहर से बाहर कहीं खेलने अकेले नहीं जाओगे, आपको खेलना है तो अपने शहर में ही खेलो। ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती हैं। और एक नया ट्रेंड आजकल चला है, वो है कोचिंग्स का। अगर कोई बच्चा दूसरी क्लास में है, तीसरी क्लास में है, उसके कोचिंग शुरू हो जाएंगी, ट्यूशन शुरू हो जाएंगे। खेलने के टाइम पर शाम को उसको कोचिंग जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स। यहाँ पर स्कूल में प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, टीचर्स के साथ भी है। यहाँ पर दो प्रकार की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स विद द स्टूडेंट्स एंड प्रॉब्लम्स विद द टीचर। तो पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम कैसे है कि स्कूल में क्या करते हैं कि आपका एक गेम पीरियड कंपलसरी है, लेकिन एक क्लास का एक गेम पीरियड वो एक हफ्ते बाद ही आता है। ये नहीं है कि वो डेली चले। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि एक ही क्लास के बहुत सारे सेक्शन हैं। मान के चलिए, अगर 8th क्लास है तो 8th ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, स्ट्रेंथ उनकी इतनी है कि उनके उन्होंने बहुत सारे क्लास के सेक्शंस बना दिए हैं। ये नहीं है कि उनके स्कूल्स में क्लास की सीट फिक्स हो, नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो सेक्शंस बनाते जाएंगे, और उन सेक्शंस के हिसाब से अगर उनकी जो फिजिकल एजुकेशन का जो स्पोर्ट्स का पीरियड है वो अगर मंडे को है, तो वो उनका अगला पीरियड मंडे को ही आएगा, उससे पहले वो पीरियड आता ही नहीं है। इसके बाद कभी कभी उसको भी कैंसिल कर देते हैं स्कूल वाले कि अभी दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं हुआ है, तो आप स्पोर्ट्स का पीरियड जो है उसको स्किप कर दो। वो स्कूल में केवल उतना ही स्पोर्ट्स खिलाते हैं जितना कि वो अपने बैनर पर छाप सकें, वो एड दे सकें कि हमारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है टीचर्स के साथ। टीचर्स के साथ कैसे प्रॉब्लम आती है कि जो PHE का टीचर होगा, फिजिकल एजुकेशन का, उसी को स्कूल का सारा डिसिप्लिन देखना है। प्रेयर भी वही कराएगा सुबह, प्रेयर का जो डिसिप्लिन होगा वही देखेगा, बच्चों की ड्रेस कैसी रहेगी वही देखेगा, कौन बच्चा ड्रेस में है, कौन इनकम्प्लीट ड्रेस में है वही देखेगा, किस बच्चे की फीस आ गई है, किस बच्चे की फीस नहीं आई है, ये सारा सिस्टम भी वही देखेगा। और अगर किस मान के चलिए कोई दूसरे सब्जेक्ट का टीचर छुट्टी पर है, तो उस क्लास के बच्चे शोर ना करें और डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ये भी फिजिकल एजुकेशन टीचर ही देखेगा। इसके बाद स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम है तो उसकी देख रेख, उसका सारा अरेंजमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर ही करेगा। प्रोग्राम में कोई बदतमीजी ना हो, कोई असुविधा ना हो, वो सारी देख रेख, उसका अरेंजमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर करेगा। इसके बाद कि अगर एग्ज़ाम टाइम है, वहाँ पर कॉपीज़ का और जो पेपर्स हैं उनका सेटलमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर करेगा। और इसके बाद भी स्कूल वाले ये सोचते हैं कि हमारे स्कूल का जो स्पोर्ट्स है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैसे? और मेन चीज़ जो यहाँ पर मेन चीज़, जैसे कि अभी जो कोरोना काल चल रहा था तो उसकी वजह से सारे स्कूल्स बंद थे, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर स्कूल वालों ने फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये बोल के हटा दिया था कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जब स्कूल खुलेंगे तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। बाकी के सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको सैलरी दी जा रही है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर से कह दिया गया कि आप रेस्ट कीजिए। इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है वो आती है कि प्रॉब्लम्स इन आर सोसाइटी। सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे लोगों की सोच ऐसी है, लेकिन अधिकतर जो मेजोरिटी है उनकी सोच ये है कि स्पोर्ट्स एक टाइम वेस्ट एक्टिविटी है। ओलंपिक्स में जब भारत के खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो सारे लोग उन्हें बधाई देते हैं, अपने फ़ोन पर स्टेटस लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपने बच्चों को खेलने नहीं देना चाहते,
जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहते हैं, वे लोग भी इसमें शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स एक टाइम वेस्ट एक्टिविटी है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, उन स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, चेयरमैन, जो लॉकडाउन के दौरान फिजिकल एजुकेशन टीचर को कह देते हैं कि आप रेस्ट कीजिए। एक तरफ आप देश के खिलाड़ियों से मेडल चाहते हैं, दूसरी तरफ आप किसी को स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट भी नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे चलेगा? किसी ने बहुत सही कहा है कि हर कोई चाहता है आज के समय में भगत सिंह निकले, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि वो मेरे घर से निकले। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों से इसलिए खेलने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसमें फ्यूचर सिक्योर नहीं है, या फिर इसलिए खेलने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसमें कोई जॉब गारंटी नहीं है? एक खिलाड़ी अपना 100% देता है ओलंपिक्स में पहुंचने के लिए। अगर वो मेडल लेके आता है तो उसे करोड़ों में तोल दिया जाता है, लेकिन अगर वो मेडल लेकर नहीं आता है और केवल पार्टिसिपेट करके रह जाता है तो वो भीड़ में कहीं खो जाता है। क्या इन बातों का कोई हल निकलेगा? खैर, पता नहीं कि इन सब बातों का क्या हल है और कैसे इन सबको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेवर स्टॉप प्लेइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। जय हिंद।